एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे एक बहुत ही क्विक रेसिपी। ये स्नैक आप कभी भी बना सकते हैं, बहुत ही इजी है। ये है पोहा की टिक्कीज, पोहा एंड आलू टिक्कीज। इसके लिए आपको चाहिए पोहा, 1.5 कप पोहा, 1 अनियन, 3 बॉइल्ड पोटेटोज, कोरिएंडर लीव्स, रेड चिली, काला नमक, मिर्ची, नींबू, सॉल्ट, चाट मसाला एंड जीरा पाउडर। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर रेसिपी। सबसे पहले इसके लिए हम पोहा लेंगे। मैंने यहाँ पे 1.5 कप पोहा लिया है। इसको हमने 3 to 4 times वॉश किया है और फिर हमने इसको पानी में सोक कर लिया है। जब ये अच्छे से सोक हो जाएगा, हम सारा एक्सेस वाटर ड्रेन कर देंगे और ये हमारे पास पोहा रहेगा। इसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। आप चाहे तो एक मैशर का यूज भी कर सकते हैं, मैंने हाथ से किया। अच्छे से मैश होने के बाद इसमें हम 3 पोटैटोज डालेंगे जो कि बॉइल्ड करके हमने पहले से ही रखे हुए हैं। ये रेसिपी एक्चुअली बहुत इजी है, क्योंकि अगर आपके पास पोटैटोज ऑलरेडी अवेलेबल हैं फ्रिज में, आप इसको कभी भी बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। शाम को चाय के साथ ये बहुत ही अच्छे स्नैक्स लगते हैं। तो इसको खूब अच्छे से मैश करने के बाद हम इसमें अपने मसाले डालेंगे। सॉल्ट एज पर टेस्ट आप डालिए, सॉल्ट थोड़ा कम डालिए क्योंकि हम इसमें ब्लैक सॉल्ट भी यूज कर रहे हैं, काला नमक। उसके बाद हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर, 1 teaspoon रेड चिली पाउडर, एंड देन हम डालेंगे जीरा पाउडर, वो भी 1 teaspoon है, चाट मसाला 1.5 teaspoon, ग्रीन चिलीज 2 से 3 ग्रीन चिलीज चॉप की हुई, और हम इसमें डालेंगे कोरिएंडर लीव्स। खूब सारी कोरिएंडर लीव्स आप डालिए, मैंने इसमें कम से कम 4 tablespoons ऑफ कोरिएंडर लीव्स डाली हैं। 1 big onion चॉप्ड, और हम इसमें 1/2 lemon भी स्क्वीज करेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथ से। थोड़ा सा अच्छा कलर लाने के लिए मैंने इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च भी डाली है। अगर आप ओवरऑल मिर्च कम खाते हैं तो आप रेड चिली पाउडर स्किप करके सिर्फ कश्मीरी लाल मिर्च भी यूज कर सकते हैं, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा टिकिया का। अब हम इसकी टिक्कीज बनाएंगे। आप अपने हाथों को ग्रीस कर लीजिए थोड़ा सा ऑयल लगा के, और फिर छोटी छोटी इसकी टिक्की बनाइए। मैंने इसको रोस्ट किया है तवे पे, नॉनस्टिक पे। अगर आपको इसको फ्राई करना है तो आप उसको फ्राई भी कर सकते हैं, इट इज अप टू यू। थोड़ा हेल्दी ऑप्शन, हेल्दी वर्जन बनाने के लिए मैंने फ्राई ना करके इसको तवे पे सेका। हमारी टिक्कीज अब रेडी हो गई हैं। अब हम इनको नॉनस्टिक पे सेकेंगे। एक नॉनस्टिक लेके हम गरम करेंगे उसे, एंड देन ऑयल डाल के उसमें हम अपनी टिक्कीज रखेंगे। आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं, फ्राई करने के लिए। आप इसको क्रिस्प बनाने के लिए थोड़ा सा 1 to 2 tablespoon मैदा लेके उसमें वाटर डाल के उसको घोल बनाइए, एंड उसमें ये टिक्किया डिप करके, इन कटलेट्स को आप डिप करके, देन आप इनको ब्रेड क्रम्स में रोल करके भी फ्राई कर सकते हैं, उससे भी ये बहुत क्रिस्पी बनेंगी। और ऐसे भी अगर आप नॉनस्टिक पे करेंगे तो ये बहुत क्रिस्पी बनेगी। अब हम इनको फ्लिप करके दोबारा ऑयल डाल के इनको अच्छे से सेकेंगे। हमारी टिक्कीज अब रेडी हो गई हैं। अब हम इनको सर्व करने के लिए
प्लेट में निकाल रहे हैं। अब चलिए हम इनकी प्लेटिंग करते हैं। आप इसको ग्रीन चटनी एंड टोमेटो केचप दोनों के साथ सर्व करिए। डू ट्राई इट फ्रेंड्स, दिस इज अ वेरी हेल्दी एंड इजी रेसिपी। थैंक यू।